जहन साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रस्ट टेक्निक एंड साइंस में आपका स्वागत है। और हम इस भाग में सीखते हैं गणित कक्षा 7 के अध्याय 4 सरल समीकरण। इस अध्याय की प्रश्नावली 4.1 और प्रश्नावली 4.1 के 5वें प्रश्न के सभी भागों के हल। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। गणितीय कथन हमें इसके लिखना है। पहला समीकरण है 5p, p धन 4 बराबर 15। इसका हमें कथन के रूप में लिखना है। तो p धन, धन अर्थात धन का मतलब होता है जोड़ने का चिन्ह, तो पी में 4 जोड़ें तो 15 प्राप्त होता है। सीधी बात है ये। तो हम लिखेंगे पी में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। ये सामान्य कथन हो गया इसका। दूसरा समीकरण है m ऋण 7 बराबर 3। मतलब m में से 7 घटाना, घटाने पर 3 मिलेंगे। एम में से 7 घटाने पर 3 मिलेंगे, यही कथन है। एम ऋण 7 बराबर 3। दूसरा है 2m बराबर 7। तो इसमें क्या है, 2 × m है, एम का 2 गुना। ऐसा लिख सकते हैं या अथवा ऐसा लिख सकते हैं कि 2 में एम को 2 से गुणा करने पर। तो हम सीधा लिखते हैं एम का 2 गुना 7 है। एम कोई संख्या है जिसको 2 गुना करने पर 7 प्राप्त होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा है, मतलब चौथा, एम बटा 5 बराबर 3। तो इसके लिए कथन क्या होगा, एम का 1/5 3 है। एम का 1/5 3 है, बस इतना ही। और फिर अगला है 3m/5 बराबर 6। मतलब एम का 3 गुना, एम का 3 गुना और उसका 5वां भाग, एम का 3/5 6 है, या एम के 3 गुने में 5 का भाग करने पर 6 प्राप्त होता है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। और अंतिम है 3p/4=25। तो पी के 3 गुने में, पी के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होते हैं। ये इसके सामान्य कथन होगा मित्रों, समीकरणों के। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला है पी धन 4=15। मतलब पी कोई ऐसी संख्या है जिसमें 4 जोड़ें तो 15 प्राप्त होंगे। तो इसको कथन के रूप में लिखेंगे कि पी में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। अगला है एम ऋण 7। मतलब एम में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। और दूसरा है, अगला है 2m, यानी 2×m। तो m का 2 गुना कितना है, 7। तो m का 2 गुना 7 है।
ये लिख दिया अपन ने, ये एम का 1/5 3 है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एम में किसी संख्या एम में 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। अगला है एम का 3m/5 = 6, माने एम का 3/5 6 है। और 3p/4 माने पी के 3 × 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होते हैं। और अगला है 4p/2 मतलब पी और 4 का गुणा गुणनफल, 4 के गुणनफल में से देखिए पी के 4 × में से 2 घटाने पर, 2 घटाने पर कितने प्राप्त होते हैं, 18 18 प्राप्त होते हैं। अगला है p/2 2 मतलब पी के आधे में से, पी के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होंगे, होंगे दैट्स इट। ये हमारे सामान्य कथन हो गए। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। मिलेंगे अगले प्रश्न में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़िए कहीं, सीखिए हमारे साथ।